अनुप्रिया पटेल की जनसभा में पत्रकार हुए मायूस। बिना पत्रकारों से रूबरू हुए चली गई अनुप्रिया पटेल। सिर्फ 30 मिनट के भाषण में कई हवाई फायर छोड़ती रही अनुप्रिया पटेल। गोला में लखीमपुर रोड स्थित पब्लिक कॉलेज में लोकसभा 28 के गोला विधानसभा में, जिसको संबोधित करने आई केंद्रीय कल्याण मंत्री एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 30 मिनट के भाषण में सिर्फ लंबी लंबी छोड़ने का काम किया। जब मीडिया कर्मचारियों ने उनसे बात करनी चाहिए तो कैमरों की नजरों से बचती हुई नजर आई, जो क्योंकि जो भाषण दिया था वो हवा हवाई छोड़ा गया था। जब पत्रकार बंधुओं ने अपना दल एस के जिलाध्यक्ष से बात की तो पत्रकारों से कहा कि यहाँ की मीडिया बिकी हुई है, पत्रकारों में दिखा रोष। जनसभा में मीडिया के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं आई नजर। लखीमपुर खीरी से निकेत त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज जनसभा के मुख्य अतिथि के रूप में हमारी अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पर हमारे बीच में आई और उन्होंने बहुत ही उत्साहवर्धक उद्बोधन दिया और जितनी पिछड़ी जाति के लोग थे उनको अटैच करने का काम किया, जितने भी योजनाएं थी और बताया कि कैसे जो कांग्रेस है उसको अगर आप वोट करते हैं तो वोट जो है वो देश विरोधी लोगों को जाएगा और मोदी जी के को अगर वोट करते हैं तो कैसे देश हित में आप काम करते हैं, तो ये इस समय जो है वो मोदी जी को वोट करिए और देश हित में आगे बढ़ाइए देश को। क्या इस बार बीजेपी सरकार बन पाएगी? बिल्कुल श्योर बन पाएगी, क्योंकि जितनी भी जातियां हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किया है वो सर्वजन हिताय सबको सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी काम किया है। कोई भी जाति धर्म ऐसा नहीं है जिसके लोग योजनाओं से लाभान्वित ना हुए हों, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है इस बार देश हित में होगा और सभी जाति बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने वाला चुनाव होगा और मोदी जी जो है वो हमारे